मूवी के सॉन्ग की शूट शुरू कर दी है पावर स्टार ने। और आपको बता दें, इस होली सॉन्ग को लेकर उनके फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। वैसे आपको याद होगा कि पिछला होली सॉन्ग जो पवन सिंह का आया था वो 7 दिनों तक ट्रेंडिंग में रहा था। जी हाँ, और इस होली सॉन्ग ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया था। आपको ये भी बता दें कि कम से कम 48 घंटों तक तो ये गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चला। खैर, अब आपको हम इस गाने से रिलेटेड ये बात बताते हैं कि सलीम सुलेमान की जो जोड़ी है, जो फेमस म्यूजिशियन की जोड़ी है, इस गाने को अपना म्यूज़िक दे रही है और पवन सिंह अपनी आवाज़। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस गाने में कैसा गेटअप होगा पवन सिंह का, तो आप हमारे स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, फ़ोटो तो चल ही रही है। और इस गाने को लेकर पवन सिंह बहुत ही एक्साइटेड हैं, पवन सिंह के फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं। और ये गाना जैसे ही बनेगा, इस गाने के रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब बस शूटिंग बाकी है जो कि चल रही है मुंबई में, वो भी कल तक फिनिश हो जाएगी और ये गाना चले जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन में। जैसे ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम ख़त्म होगा, ये गाना आप लोगों के समीप होगा। वैसे भी होली जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, लोगों का फीवर बढ़ता ही जा रहा है। कहने वाले और सुनने वाले तो ये कह रहे हैं कि पवन के पिछले सॉन्ग से भी बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है इस बार का। और ये सॉन्ग जिसने भी सुना, सभी ये कह रहे हैं कि इस सॉन्ग को लोग काफ़ी दिनों तक याद करने वाले हैं। इस सॉन्ग के प्रमोशन के लिए भी पवन सिंह स्पेशली मुंबई में ही रहेंगे और इस सॉन्ग का जमकर वो प्रमोशन भी करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।